हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कनेक्शन। आज हम कुछ अपोजिट वर्ड देखेंगे। ये अपोजिट वर्ड पूछे गए हैं एसएससी के सीएचएसएल एग्ज़ाम में, वहाँ से हमने इसे लिया है। और पांच अपोजिट वर्ड है, तो चलिए इसे देखते हैं। अगर आप इस वीडियो को पॉज करते हैं फिर बनाने की इसे कोशिश कीजिएगा, तब आपको ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको अच्छे से भी समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड क्या है। तो वो है रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का अर्थ होता है कठोर, दयाहीन, निर्दयी, निष्ठुर, तो ये सभी चीज़ें होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस में क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस में है इल्डिंग। इल्डिंग का मतलब होता है समर्पण। इसका एक और मीनिंग होता है जैसे बात पर ना अड़ने वाला, जैसे रिलेंटलेसली है, कठोर है, बात पर अडिग रहने वाला, और ये है बात पर ना अड़ने वाला इल्डिंग। काइंड मतलब होता है दयालु, जेंटल मतलब भी होता है दयालु। सेंसिटिव मतलब होता है यूं कहें तो नाजुक या भावुक। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा इल्डिंग। इल्डिंग क्यों होगा, जेंटल काइंड क्यों नहीं होगा। एक और चीज़ है जैसे परसिस्टेंट। रिलेंटलेसली का अर्थ ही होता है परसिस्टेंस यानी जिद्दी, अपने बात पर अडिग, तो ये हुआ रिलेंटलेस। इसका मीनिंग जो अपोजिट होगा वो होगा इल्डिंग। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हमारे पास, वो है वर्च्यू। वर्च्यू का अर्थ होता है सद्गुण, भलाई, धर्म या नैतिकता। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में है अनट्रू। अनट्रू का मतलब होता है असत्य या झूठा। नेक्स्ट है डिफीट। डिफीट यानी होता है हार या पराजित करना, हराना। फूल यानी होता है मूर्ख, और वाइस यानी होता है अवगुण। जैसे हिंदी में हम गुण और दोष एक साथ बोलते हैं, वैसे ही इंग्लिश में वर्च्यू एंड वाइस को एक साथ बोला जाता है। गुण और दोष के लिए वर्च्यू एंड वाइस। तो इससे ही पता चल जाता है कि इस जो वर्च्यू है उसका अपोजिट वर्ड होगा वाइस। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी यानी होती है दुश्मनी। इसके ऑप्शंस भी देख लेते हैं। ऑप्शंस में है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप मतलब होती है साझेदारी। अगला जो वर्ड है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी होती है रिश्तेदारी। अगला है इनेमिटी। इनेमिटी यानी होती है शत्रुता, जो कि मीनिंग ही हो गया हॉस्टिलिटी का। अगला जो वर्ड है वो है फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप यानी होती है दोस्ती, तो शत्रुता का जो अपोजिट होगा वो होगा दोस्ती, तो फ्रेंडशिप इज राइट आंसर। चलिए देखते हैं अगला वर्ड क्या है। अगला वर्ड है असेंट। असेंट यानी होती है सहमति या मंजूरी। जैसे इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे दे टुक द डिसीजन विथ कॉमन असेंट। उन्होंने एक निर्णय लिया सभी की सहमति से, कॉमन असेंट से, तो ये हो गया। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में है डिसेंट, उसका अर्थ होता है असहमति, जो कि सहमति का विरुद्ध है। अगला है सेल्फ इंटरेस्ट, जिसका अर्थ है स्वार्थ। नेक्स्ट है सेपरेशन यानी अलगाव। नेक्स्ट है कन्फ्यूज़न यानी गड़बड़ी। तो इसमें जो हमारा आंसर है वो है डिसेंट यानी असहमति। अगला और लास्ट वर्ड है जिसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है, वो है इवेजिव। इवेजिव का अर्थ होता है अस्पष्ट या संदिग्धात्मक, संदिग्ध। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, द थीप गेव इवेसिव आंसर टू द पुलिस। जो चोर है उसने अस्पष्ट या टाल मटोल करने वाली उत्तर दिया पुलिस को, तो इसका ये एग्जाम्पल हो गया। चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं। ऑप्शंस में है एक्सप्लिसिट, अनक्लियर, कैटेगोरिकल और इंडेफिनिट। एक्सप्लिसिट यानी होता है स्पष्ट, सुस्पष्टवादी, जो कि इवेसिव का जस्ट अपोजिट है, तो यही हमारा आंसर होगा। अगला ऑप्शन है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब धुंधला या अस्पष्ट, जो कि इवेसिव का मीनिंग हो गया वो। नेक्स्ट है कैटेगोरिकल, जिसका अर्थ होता है निर्धारक। और नेक्स्ट है इनडेफिनिट यानी अनिश्चित, जैसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट टाइम पीरियड, अनिश्चित काल, तो ये हो गया। तो इसमें हमारा आंसर होगा एक्सप्लिसिट यानी स्पष्ट। आई होप कि आपको हमारा ये छोटा छोटा वीडियो पसंद आ रहा होगा, लेकिन मुझे ये पता कैसे चलेगा कि आपको पसंद आ रहा है। उसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट, तभी
मैं और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा मोटिवेट हो पाऊंगी, और ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलती रहूंगी। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।